चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 254। ए क्लाइंट विद बाइपोलर फर्स्ट मैनिक एपिसोड। तो सबसे पहले अंडरलाइन करनी है, हमारा केस है बाइपोलर फर्स्ट मैनिक एपिसोड। बाइपोलर फर्स्ट बाइपोलर सेकंड क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे साइकेट्री के वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप बाइपोलर डिसऑर्डर वाला वीडियो देख सकते हैं। तो बाइपोलर फर्स्ट है और उसको मैनिया हो रखा है, मैनिक एपिसोड आ रखे हैं। सुपीरियर समझ रहा है अपने आप को, ऑथोरिटेटिव मैनर में बात कर रहा है, मतलब ग्रुप के अंदर ऑथोरिटेटिव मैनर में बात कर रहा है, सुपीरियर समझ रहा है और कंसिस्टेंटली इंस्ट्रक्ट कर रहा है दूसरे लोगों को कि कैसे ड्रेस पहननी चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, व्हाट टू ईट, व्हाट टू सीट, वेयर टू सीट, कहाँ बैठना है, कैसे ड्रेस करनी है। ये सब एक मैनिया वाला क्लाइंट दूसरे लोगों से, अदर क्लाइंट से कह रहा है, सुपीरियर है, दिखा रहा है, ऑथोरिटेटिव मैनर में वो बात कर रहा है। तो नर्स इस बिहेवियर को कैसे मतलब इंटरप्रेट करेगी कि दूसरे जो क्लाइंट हैं वो क्या फील कर सकते हैं, दूसरे क्लाइंट इस सिचुएशन में अगर कोई मैनिया वाला क्लाइंट ऐसा बोल रहा है दूसरे क्लाइंट से कि कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे ड्रेस पहनना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, तो दूसरे क्लाइंट क्या फील कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो क्या वो एंगर फील करेंगे, क्या वो डिपेंडेंट फील करेंगे, क्या वो इनएडिक्वेट फील करेंगे, क्या वो एम्बिवेलेंस फील करेंगे। देखिए सबसे पहले तो जिस सिचुएशन में वो दिखा रहा है अपने आप को मैनिक एपिसोड वाला क्लाइंट, तो मतलब वो बॉसी बिहेवियर दिखा रहा है, बॉसी लाइक बिहेवियर की वो बॉस है, वो सुपीरियर है, वो अथॉरिटेटिव है। तो एम्बिवेलेंस तो दो सिचुएशन में फंसना होता है और पेशेंट डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये तो आंसर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है एम्बिवेलेंस। इंडिपेंडेंसी कैसे, डिपेंडेंसी कैसे दिखाई देगी उसमें, डिपेंडेंसी तो नहीं दिख सकती ऐसे बिहेवियर से कि दूसरे क्लाइंट उस पर डिपेंड हो जाएंगे। और इनएडिक्वेसी भी कहाँ दिख रही है कि किसी चीज़ की अपर्याप्तता है, अगर कोई व्यक्ति सुपीरियर ऑथोरिटेटिव मैनर में बात कर रहा है, बॉसी बिहेवियर दिखा रहा है, तो दूसरों को तो गुस्सा ही आएगा ना। अगर आपको कोई सुपीरियर बिहेवियर दिखाएगा और कंसिस्टेंटली इंस्ट्रक्ट करेगा, कंसिस्टेंटली लगातार, मतलब वो अब दूसरे लोगों को मौका ही नहीं दे रहा है ग्रुप में कॉन्ट्रीब्यूट करने का, तो दूसरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको तो एंगर फीलिंग आएंगी ही। तो राइट आंसर है इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन, एंग्री फीलिंग, दूसरे क्लाइंट्स को ऐसा फील हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।